डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज से सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर, जिसकी रचना एजी गार्जनर ने की है, इस लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस लेसन में लेखक एजी गार्जनर शाम की एक ट्रेन में बिल्कुल अकेला है। रेलगाड़ी लंदन को छोड़ती हुई निकल रही है। गर्मियों की शाम है। एक मच्छर रेल के डिब्बे में घुस आता है। यहाँ तक कि लेखक को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था तथा इस दुर्लभ एकांत का आनंद लेने के लिए वह तैयार था, किंतु वह मच्छर उसे तंग करना शुरू कर देता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं और भले के एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। यह लेखक को और वह मच्छर पूरी लंबी यात्रा एक दूसरे के साथ आपस की क्रिया प्रतिक्रियाओं में बिता देते हैं। तो आए देखें इस लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और उनकी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज That is jolting noisily through the night. It is liberty and unresting in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him comfortably in the dust without fear of a counterstroke. तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन लिखेंगे। There is डॉट डॉट करके स्ट्रोक, पहली हेडिंग रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई ए जी गार्जनर। और इसका दूसरी हेडिंग कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। The author was traveling in a train. He was all alone there. But after some time, the writer has been troubled by a mosquito in the railway compartment. तीसरी heading, explanation. The author writes that traveling all alone in a compartment gives him a pleasant sense of freedom. The railway carriage is running with noise and is jerking with speed. It is the time of night. There is full freedom to do anything you like. You can talk loudly without disturbing anyone because you are all alone there. You can begin an argument with Jones, i.e. an imaginary person, and defeat him in an argument. You can throw that imaginary man on the floor without any fear of revenge from him. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा है वो उसे देखें। पैरा है ही बाज वन ऑफ दोज बिंगी निप्पी इंट्रेपाइड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगुली मॉस्किटो। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माय नोज एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट इट्स थ्री डायमेंशंस. Visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. इसकी सबसे पहले outline लिखेंगे। He was dot dot करके my neck और अब पहला heading reference. These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. और इसका कॉन्टेक्स्ट, the author was traveling in a train. He was all alone there, but after some time,
द राइटर हैज़ बीन टर्बल्ड बाई मॉस्किटो इन द रेलवे कंपार्टमेंट। तीसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन, द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन द राइटर्स नोज, ही वेव्ड हिज हैंड एंड ड्रॉ हिम अवे, ही सॉ हिम फ्लाइंग अराउंड इन द कंपार्टमेंट, ही फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट, देन अलोंग इट्स वाइथ एंड फाइनली अलोंग इट्स हाइट। हैविंग कंप्लीटेड दिस टूर द मॉस्किटो वेंट टू द विंडो वन बाई वन, हिज नेक्स्ट फ्लाइट वाज अराउंड द ग्लोइंग लैम्प, वट नथिंग इंटरेस्टेड हिम सो मच एज द बिग बॉडी ऑफ द राइटर हिमसेल्फ हु सेट इन ए कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट। फ्रॉम द लैम्प द मॉस्किटो केम डायरेक्ट टू द राइटर एंड हैड ए गुड लुक एट हिज नेक, परहैप्स ही वॉन्टेड टू सिट एंड वाइट इज गार्जनर ऑन हिज नेक। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा है वह है, माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड, आई लैंगड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड पास्ड हिम राउंड द लैम्प, आई अडॉप्टेड टैक्स ऑफ फेलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्विफ्टनेस, स्टिकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। तो पहले इसकी आउटलाइन, माई पर्सनल डॉट डॉट करके स्विफ्टनेस, और पहला हेडिंग रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई ए जी गार्जनर। कॉन्टेस्ट में लिखेंगे, द ऑथर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ही वाज ऑल अलोन देयर, बट आफ्टर सम टाइम द राइटर हैज बीन टर्बल्ड बाई ए मॉस्किटो इन द रेलवे कंपार्टमेंट। और तीसरा हेडिंग एक्सप्लेनेशन, द मॉस्किटो एस्केप्ड द फर्स्ट अटैक ऑफ द ऑथर, इट इंसल्टेड हिम, इट हर्ट हिज प्राइड, ही देयरफॉर सडनली मूव्ड फॉरवर्ड टू किल द मॉस्किटो विद हिज हैंड एंड आल्सो विद द न्यूज़पेपर। द ऑथर जम्प्ड एंड स्टूड ऑन द सीट, द मॉस्किटो फ्लो अराउंड द लैम्प, द ऑथर चेस्ड इट देयर आल्सो, देन ही ट्राइड टू बी एज कनिंग एज ए कैट, ही रिमाइंड स्टैंडिंग साइलेंटली टू सो दैट द मॉस्किटो माइट कम डाउन एंड सिट समवेयर, देन द ऑथर्स प्लान वाज टू मूव फॉरवर्ड लाइक ए थीफ एंड गिव द मॉस्किटो ए सडन क्विक एंड डेंजरस ब्लो टू किल इट। इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट पैरा है उसे देखते हैं, यह है, मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रस्टेज, एट प्रेजेंट आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, वाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्च द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, आई कैन नॉट किल यू, वट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट। तो इसकी आउटलाइन, मैग्नेमिटी डॉट डॉट करते हुए डू इट, पहला हेडिंग रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फेलो ट्रेवलर रिटन बाई ए जी गार्जनर, और इसका कॉन्टेक्स्ट, द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ही वाज ऑल अलोन देयर, व्हाट आफ्टर सम टाइम
द राइटर हैज बीन टर्बल्ड बाई मॉस्किटो इन द रेलवे कंपार्टमेंट। और इस पैरा के लिए तीसरा हेडिंग, द ऑथर सेज दैट जनरेसिटी एंड काइंडनेस आर द हाइएस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन इफ ही कैन बी लिबरल एंड काइंड टू द मॉस्किटो ही विल बिकम ए वेरी नोबल मैन इन द आईज ऑफ द मॉस्किटो। द ऑथर फील्स दैट हिज डिफीट्स हैव मेड हिम ए फनी पर्सन। द मॉस्किटो मस्ट बी लाफिंग एट हिम। ही देयरफॉर थिंक्स टू बी काइंड टू इट टू रिगेन हिज लॉस्ट ऑनर, सो ही गोज बैक टू हिज सीट एंड गिव्स अप हिज आइडिया ऑफ किलिंग द मॉस्किटो। इससे एक और इम्पोर्टेंट पैरा देख लेते हैं। तो ये पैरा है, द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स माइस्टी टू। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। वी आर रियली व्हेन यू कैन टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील लाइक just appreciations that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage fluttering about the lamp and a while and going out into the night again। तो पहले इसकी outline, the miracle dot dot करके night again, और पहला heading reference। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner। और दूसरा heading contest, the author was traveling in a train, he was all alone there but after some time the writer has been troubled by a mosquito in the railway compartment। और तीसरी heading the तीसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन, द ऑथर सेज दैट द मॉस्किटो डज नॉट नो एनी थिंग ऑफ इट्स जर्नी इन द ट्रेन। इन द सेम वे एजी गार्जनर आल्सो डज नॉट नो एनी थिंग ऑफ द जर्नी ऑफ हिज ओन लाइफ। ही फाइंड्स दैट लिविंग बीइंग्स आर जस्ट लाइक शेडोज, दे डिसअपीयर एनी टाइम एनी डे। द mosquito comes from the dark into the lighted carriage, flies around the light for some time and again goes out into the dark of night। In the same way man also comes from some unknown place, lives his own life in the world and dies। He thus disappears into the mysterious darkness beyond his डेथ। तो इस तरह से ये लेसन ए फेलो ट्रेवलर, जिसे एजी गार्डनर लिखा है, कि इम्पोर्टेंट स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन हुआ। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।